हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम न्यू यूनिट स्टडी करेंगे, थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम, और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट में आता है। और ये आज थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर है और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे, तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम का फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेस एज शोन इन फिगर, गिवन दैट फोर्स पी इक्वल्स टू 280 न्यूटन, फोर्स टी इक्वल्स टू 260 न्यूटन एंड फोर्स एफ इक्वल्स टू 210 न्यूटन। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया है वो आपके सामने है। ये एक थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम आपके सामने, और ये फोर्स सिस्टम का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द रिजल्टेंट फॉर दिस गिवन फोर्स सिस्टम, और यहां पे आपको तीन फोर्सेस दिए हैं। एक है फोर्स पी, दूसरा है फोर्स टी और तीसरा है फोर्स एफ, और तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड दिया है। ये देखिए पी टी एफ तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड यहां पे दिया है और हमें यहां पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन क्या रहेगा, देखिए अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ऐसा रहेगा, दैट इज रिजल्टेंट आर इक्वल टू, रिजल्टेंट को आर से शो करेंगे, आर इक्वल टू दैट इज पी बार प्लस टी बार प्लस एफ बार इक्वल टू ये रिजल्टेंट आर बार। आप इसको बार कहो या आप इसको वेक्टर कहो, इट मीन्स P, that is vector P plus vector T plus vector F equals to that is vector R. आप इसको ऐसा कहेंगे तो भी चलेगा। तो फाइनली यहां से हमें रिजल्टेंट का हमें यहां पे इक्वेशन मिल जाएगा, हमें यहां से रिजल्टेंट का वेक्टर इक्वेशन मिलेगा। फिर वो रिजल्टेंट के वेक्टर इक्वेशन का अगर हम अंडर रूट लेंगे तब जाके हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा, इट मीन उसका वैल्यू। तो ये रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे यहां पर जो तीन फोर्सेस दिए हैं, तीनों फोर्सेस में फोर्स पी जो है वो ए टू सी जा रहा है, फोर्स टी जो है वो ए टू बी जा रहा है और फोर्स एफ जो है वो ए टू डी जा रहा है। तो चलिए ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे देखेंगे। ये थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक चल रहा है रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट के बाद सेकंड टॉपिक इसमें आता है टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, उसके बाद थर्ड टॉपिक आता है टू फाइंड द मोमेंट ऑफ अ फोर्स, देन आफ्टर आता है व्रेंच एंड कपल, और लास्ट में आता है टू फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड और इन द केबल। तो इस प्रकार से ये थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम के इतने टॉपिक्स हमें स्टडी करना है। तो थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम के पहले हमने ऑलरेडी टू डायमेंशनल फोर्स सिस्टम स्टडी किए थे, उसमें हमने वेरिग्नॉन थ्योरम भी स्टडी किए, मोमेंट ऑफ अ फोर्स वो भी स्टडी किए, और फोर्सेस और उनके सभी टाइप्स के बारे में भी बताए थे। तो इसके पहले के ये सभी वीडियोस आपको देख लेना चाहिए और अच्छे से इसके पहले के सभी टॉपिक स्टडी कर लेना चाहिए। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, ये प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए यहां पे ये प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करना है तो यहां पे हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले ही कहा है कि रिजल्टेंट का इक्वेशन ये है। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें यहां पे वेक्टर पी प्लस वेक्टर टी प्लस वेक्टर एफ, इट मींस तीनों फोर्सेस का हमें वेक्टर इक्वेशन ऐड करना है। वेक्टर इक्वेशन जो है वो आई जे के फॉर्म में होता है, तो यहां पे वेक्टर इक्वेशन हमें पहले तैयार करना पड़ेगा। तो वेक्टर इक्वेशन तैयार करने के लिए सबसे पहले यहां पे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर यहां प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहां पे तीन एक्सिस दिया है, थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम में तीन एक्सिस होती है। ये देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और तीनों जहां इंटरसेक्ट हो गए वो है ओरिजिन। तो यहां पे ओरिजिन है। अगर आप ओरिजिन के राइट साइड में जाएंगे तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव रहेंगी, अगर आप ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो एक्स एक्सिस नेगेटिव रहेंगी। उसी तरह से ओरिजिन के ऊपर जाएंगे तो वाई एक्सिस पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे जाएंगे तो वाई एक्सिस नेगेटिव। उसी तरह से ओरिजिन से इधर गए तो जेड एक्सिस पॉजिटिव, ओरिजिन से उधर गए तो जेड एक्सिस नेगेटिव। तो ये हम इसलिए बता रहे क्योंकि अभी हमें यहां पर जितने भी पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इसी का यूज करना है। तो देखिए ए बी सी डी चारों पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये जो है एक्सिस के ऊपर पूरा खेल है और आपको हमेशा ओरिजिन से ही अपना जर्नी स्टार्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते समय दिक्कत होती है, अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना आ गया तो आप प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पूरा खेल ये कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ही है। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करना जरा ध्यान से देखिए, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते समय आपको जर्नी हमेशा ओ से स्टार्ट करना है, इट मींस ओरिजिन से स्टार्ट करना है। तो देखिए ओरिजिन से अगर आप स्टार्ट करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है तो ओ से ए के तरफ चलो, ओ से ए के तरफ। देखिए ए ऊपर में है तो ओ से ए के तरफ जाएंगे, तो यहां से यहां तक हम कितना गए तो 12 मीटर। देखिए ओ से इधर गए 12
12 मीटर, और ये जो आप O से ऊपर जा रहे हैं, आप ऊपर जा रहे हैं इट मींस प्लस y एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था ऊपर में y एक्सिस प्लस होती है और नीचे गए तो y एक्सिस माइनस होती है, तो यहां से हम प्लस y एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, प्लस y एक्सिस के अलोंग 12 मीटर गए, इसलिए y कंपोनेंट हो गया 12, ठीक है। O से हम 12 मीटर गए, प्लस y एक्सिस के अलोंग 12 गए, इसलिए y कंपोनेंट 12। A तक पहुंच गए, x और z के अलोंग नहीं गए, इसलिए x कंपोनेंट 0 और z कंपोनेंट भी 0, तो A के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए 0 12 0, ठीक है, क्योंकि हम प्लस y के अलोंग गए इसलिए सिर्फ y कंपोनेंट आया। अब चलो B के तरफ देखते हैं, तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, देखो B पॉइंट यहां पे है, जर्नी आपको ओरिजिन से स्टार्ट करना है, तो देखो ओरिजिन से पहले आप इधर जाएंगे देन इधर जाएंगे, इट मींस पहले 4 मीटर देन 3 मीटर, और अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे 4 और 3 इट मींस यहां पे दो डिस्टेंसेस दिए हैं, अगर दो डिस्टेंसेस दिए हैं इट मींस यहां पे दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो चलो देखते हैं कैसे। तो आपको जर्नी ओरिजिन से स्टार्ट करना है, तो ओरिजिन से स्टार्ट करो, पहले आप इधर जाएंगे 4 देन 3, तो जब आप ओरिजिन से इधर जाएंगे तो प्लस x एक्सिस, और ओरिजिन से इधर जाएंगे तो माइनस x एक्सिस, ये हमने कहा था, तो ओरिजिन से आप इधर जा रहे हैं इट मींस माइनस x के अलोंग जा रहे हैं, इधर गए तो प्लस x, इधर गए तो माइनस x, तो आप माइनस एक्स के अलॉन्ग 4 गए इट मींस एक्स कंपोनेंट माइनस 4, ठीक है, आप माइनस एक्स के अलॉन्ग 4 गए तो एक्स के एक्स कंपोनेंट माइनस 4। अब यहां से आपको इधर जाना है 3, तो हमने कहा था कि इधर गए तो प्लस जेड, उधर गए तो माइनस जेड, ठीक है, इधर गए तो प्लस जेड है, लेकिन हम यहां से इधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं माइनस जेड के अलॉन्ग 3, तो जेड कंपोनेंट हो गया माइनस 3, और y के अलोंग नहीं गए तो y कंपोनेंट 0, तो b के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए माइनस 4 0 माइनस 3। हम पहले माइनस x के अलोंग गए तो x कंपोनेंट माइनस में, देन हम माइनस z के अलोंग गए तो z कंपोनेंट माइनस में, y के अलोंग नहीं गए। अब देखो c के कोऑर्डिनेट्स, c के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें, ये देखिए c पॉइंट यहां पे है, ओरिजिन से जर्नी स्टार्ट करना है, ओरिजिन से पहले इधर जाएंगे देन इधर आएंगे, इट मींस पहले 4 देन 6, तो कौन से एक्सिस के अलोंग जा रहे वो आपको ध्यान में रखना है, तो ओरिजिन से आप इधर जा रहे हैं इट मींस माइनस एक्स के अलोंग जा रहे हैं, उधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो माइनस एक्स के अलोंग आप 4 गए इट मींस एक्स कंपोनेंट माइनस 4, ठीक है। देन आफ्टर आप इधर जा रहे हैं इट मींस प्लस जेड एक्सिस के अलोंग आप इधर जा रहे हैं, क्योंकि ये जो लाइन है देखिए ये जो लाइन है ये लाइन जेड एक्सिस को पैरेलल है, ये जो लाइन है ये जेड एक्सिस को पैरेलल है, इट मींस जब भी आप इधर जाओगे तो जेड या उधर जाओगे तो माइनस जेड, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके पहले आप 3 के लिए, आप b के लिए जो है आप इधर माइनस 3 गए थे इसलिए माइनस 3 आया था, लेकिन जब आप इधर जाएंगे तो प्लस जेड के अलोंग जा रहे हैं, प्लस जेड के अलोंग 6 है इसलिए जेड कंपोनेंट 6। c तक पहुंच गए, y के अलोंग नहीं गए तो y कंपोनेंट 0, सो c के कोऑर्डिनेट्स हो गए दैट इज माइनस 4 0 6, सो ओरिजिन से आप पहले माइनस x के अलोंग गए देन प्लस जेड के अलोंग गए, सो दैट इज 6 4 माइनस 4 0 6। और अब लास्ट में है डी के कोऑर्डिनेट्स, तो देखो डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करना, बिल्कुल सेम टेक्निक, जर्नी फिर से ओ से स्टार्ट करो, ओरिजिन यहां पे, पहले आप इधर जाएंगे देन इधर आएंगे, इट मींस पहले 6 मीटर देन 4 मीटर, तो ये प्लस एक्स के अलोंग प्लस जेड के अलोंग, क्योंकि ऐसा गए तो प्लस एक्स है और ऐसा गए तो प्लस जेड है, क्योंकि ये जो लाइन है ये लाइन एग्जैक्टली जेड एक्सिस को पैरेलल है, तो इसीलिए, तो यहां से हम प्लस एक्स के अलोंग 6 गए तो एक्स कंपोनेंट 6, ठीक है। देन यहां से आप इधर आएंगे प्लस जेड के अलोंग, क्योंकि इधर गए तो जेड एक्सिस प्लस है, तो z के अलोंग 4 है इसलिए z कंपोनेंट यहां पे 4। d तक पहुंच गए, y के अलोंग नहीं गए तो y कंपोनेंट 0। तो फाइनली सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने यहां फाइंड आउट कर लिए। आगे आने वाले वीडियोस में हमें 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम के और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमें कवर करना है, जहां पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में ऐसी डायग्राम्स दी रहेंगी और ऐसे में हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने रहेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का कांसेप्ट आपका वहां भी क्लियर हो सकता है। अगर आपको यहां एक ही प्रॉब्लम में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इट मींस कुछ डाउट्स अगर आ रहा है तो आने वाली वीडियोस में ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जहां पे हमें ऐसे ही नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो चलिए फिलहाल हम यहां पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं और अब हमें क्या करना है, हमने पहले ही कहा हमें वेक्टर p वेक्टर t वेक्टर f तीनों का वेक्टर इक्वेशन क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले फोर्स p का वेक्टर इक्वेशन बनाते हैं। तो फोर्स p का वेक्टर इक्वेशन बनाते समय आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि फोर्स p कहां से कहां जा रहा है। तो देखिए यहां पे फोर्स p जो है वो a टू c जा रहा है, अगर a टू c जा रहा है तो c माइनस a करना पड़ेगा। तो देखिए हम यहां लिखेंगे फोर्स p के लिए c माइनस a, क्योंकि फोर्स p जो है वो a टू c जा रहा है, ये सेंडिंग एंड और ये रिसीविंग एंड, ये सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड हो रहा है, इट मींस रिसीविंग एंड माइनस सेंडिंग एंड करना पड़ेगा, इसलिए हमने c माइनस a किए। और अब यहां पे c के कोऑर्डिनेट्स यहां पे लिखो, c के कोऑर्डिनेट्स है -4 0 6
और a के कोऑर्डिनेट से 0 12 0 और अब हमें इनको सब्सट्रैक्ट करना है x y z माइनस x y z, तो यहां x माइनस x करो, y माइनस y करो, z माइनस z करो, और ये करते समय आपको i j k के फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 0, तो ये माइनस ऑफ 4 आए, देन 0 माइनस ऑफ 12, तो ये हो गया माइनस ऑफ 12 j, 6 माइनस ऑफ 0, सो दैट इज अ प्लस ऑफ 6 के। इतना होने पर हमें अब इसको फोर्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है। सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना होता है। यहां फोर्स p का फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा pm, ये आपको समझना चाहिए। देखो कभी भी फोर्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, फोर्स मल्टीप्लायर pm, और ये pm का फार्मूला देखिए क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर pm हो जाएगा दैट इज p बाय d। P by D में से P जो है वो P माने फोर्स, P का मैग्नेट्यूड, जैसा यहां P का मैग्नेट्यूड दिया है 280, तो वो यहां पे आएगा। और D माने क्या होगा, सो D माने अंडर रूट ऑफ, D माने अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड माने कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के, ये जो इक्वेशन है इसमें जो आई जे के का कोएफिशिएंट है वही एक्स वाई जेड है। तो चलो यहां पे पीएम के जगह पी बाई डी लिखना है, तो हम यहां पीएम के जगह पी बाई डी लिखेंगे, तो इक्वेशन ऐसा रहेगा माइनस 4i माइनस ऑफ 12 जे प्लस ऑफ 6 के इंटू पीएम के जगह हमने लिखे p बाई डी, और अब यहां p और d का वैल्यू हमें यहां पुट करना है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4i माइनस ऑफ 12 जे प्लस ऑफ 6 के इंटू p बाई डी, p का वैल्यू है दैट इज 280 डिवाइड बाई d माने अंडर रूट में, देखो p का वैल्यू 280 है वो हमने यहां लिख दिए, डिवाइड बाई d माने जैसा हमने यहां एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र, तो यहां x का वैल्यू माइनस 4, y का वैल्यू दैट इज माइनस 12 और z का वैल्यू 6, इट मींस ijk का कोएफिशिएंट, तो उसका यहां पे स्क्वायर करना है अंडर रूट में, तो 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, माइनस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसलिए आपको प्लस में ही लिखना है। और अब ये कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आता है। तो फिलहाल हम ये पहला इक्वेशन एज इट इज रखेंगे, पहला ब्रैकेट माइनस 4i माइनस ऑफ 12j प्लस ऑफ 6k, और ये ब्रैकेट का आंसर आता है 20, कैलकुलेटर में सॉल्व करने का 280 बाय अंडर रूट का आंसर 20 आता है, तो ये हमने लिख दिए 20। और अब ये 20 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म को और थर्ड टर्म को, तो ये 20 से यहां मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया माइनस ऑफ 80 आए, देन सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस ऑफ 240 जे, और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ऑफ 120 के। तो फाइनली ये हमें फोर्स पी का वेक्टर इक्वेशन मिल गया, फोर्स पी का वेक्टर इक्वेशन, तीनों फोर्सेस का वेक्टर इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो ये फोर्स पी का वेक्टर इक्वेशन यहां आ चुका है। और अब बिल्कुल ऐसा ही आपको फोर्स टी और फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन तैयार करना है, तो चलो देखते हैं फोर्स टी कहां से कहां जा रहा है। फोर्स टी जो है वो ए टू बी जा रहा है, ये सेंडिंग एंड ये रिसीविंग एंड, तो ए टू बी जा रहा है इसलिए बी माइनस ए करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही आपको सॉल्व करना है, लेकिन इतना लंबा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली हम फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हमने इसको स्टेप वाइज लिए, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। तो देखिए फोर्स टी का वेक्टर इक्वेशन, फोर्स टी ए टू बी जा रहा है तो b माइनस ए हमें करना है, तो देखिए b माइनस ए, b के कोऑर्डिनेट्स माइनस a के कोऑर्डिनेट, b के कोऑर्डिनेट है माइनस 4 0 माइनस 3 माइनस a के कोऑर्डिनेट्स है 0 12 0, तो यहां पे x माइनस x, y माइनस y, z माइनस z करना है, तो सबसे पहले x माइनस x करेंगे तो ये हो गया माइनस ऑफ 4i, देन y माइनस y करेंगे तो माइनस ऑफ 12j, z माइनस z करेंगे तो माइनस ऑफ 3k, और इसको फिर से हमें फोर्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है। यहां फोर्स p था तो फोर्स मल्टीप्लायर pm है, या फोर्स टी है तो यहां फोर्स मल्टीप्लायर रहेगा टीएम, ऐसा तो यहां फोर्स पीएम था, देखिए फोर्स मल्टीप्लायर पीएम, यहां टीएम, यहां पीएम के जगह हमने पी बाई डी लिखे, तो अब यहां हम टीएम के जगह टी बाई डी लिखेंगे, तो अगर ये टी बाई डी लिखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, हम यहां टी बाई डी, और अब टी माने क्या, टी माने ये वैल्यू है 260 न्यूटन हमें यहां लिखना है, और डी माने अंडर रूट में हमें इसके कोएफिशिएंट्स का हम यहां पे स्क्वायर लेना है अंडर रूट के अंदर, तो चलो हम यहां पे सब कुछ यहां पुट अप करेंगे, तो यहां है 260 और यहां d का वैल्यू हम रखेंगे यहां पे अंडर रूट में, दैट इज 4 12 3, तो यहां 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये माइनस यहां लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। और अब कैलकुलेटर में ये पूरा एज इट इज कैलसी में सॉल्व करेंगे, 260 बाय अंडर रूट, तो उसका आंसर आएगा 20, तो अब हम यहां लिखेंगे माइनस ऑफ 4i माइनस ऑफ 12j माइनस ऑफ 3k, और इसका आंसर आएगा दैट इज 20। और अब ये 20 से फिर से मल्टीप्लाई करो हर एक टर्म को, तो ये हो गया दैट इज माइनस ऑफ 80i माइनस ऑफ दैट इज 240j माइनस ऑफ 60k, ये फाइनली फोर्स टी बार का इक्वेशन आ चुका है, दैट इज टी का वेक्टर इक्वेशन हमने बना दिए, और अब थर्ड फोर्स का हमें वेक्टर इक्वेशन तैयार करना है, दो फोर्सेस का यहां पे वेक्टर इक्वेशन बन चुका है, और अब थर्ड फोर्स है फोर्स एफ जो कि ए टू डी जा रहा है,
अब हमें उसका वेक्टर इक्वेशन तैयार करना है, तो चलो वो हम बनाएंगे। तो फोर्स एफ जो है वो ए टू डी जा रहा है, देखिए फोर्स एफ एक्टिंग फ्रॉम ए टू डी है, तो ये डी माइनस ए हमें करना पड़ेगा। तो देखिए फोर्स एफ के लिए हम यहां लिखेंगे फोर्स एफ दैट इज डी माइनस ए करेंगे, क्योंकि ए टू डी जा रहा है इसलिए। तो डी के कॉर्डिनेट से 604 माइनस ए के कॉर्डिनेट से 0120, तो यहां फिर से एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड करना है, तो 6i माइनस 12j प्लस 4k हो जाएगा, क्योंकि यहां 6 माइनस 0 तो 6i, 0 माइनस 12 तो माइनस 12j, 4 माइनस 0 तो दैट इज प्लस 4k। और अब इसको फोर्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करो, तो फोर्स एफ का फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा fm, fm के जगह आप लिख सकते हैं f by d, तो ये देखिए fm माने हम यहां लिखेंगे f by d, ऐसा लिख सकते हैं। और f by d में f का वैल्यू है 210, वो देखिए 210, यहां f के जगह हम लिखेंगे यहां 210, और डिवाइड बाय d माने अंडर रूट में हमें लिखना पड़ेगा, यहां पे अंडर रूट में x y z, यहां पे जो है 6 माइनस 12 4, तो ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये 4 स्क्वायर। तो फाइनली देखिए यहां पे ये जो इतना लंबा हमने एक्सटेंड किया है, इतना लंबा एक्सटेंड करने के बजाय हमने इसको शॉर्ट में ऐसा लिखे, यहां पे भी हम वैसे ही लिख रहे हैं। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 6i माइनस ऑफ 12j प्लस ऑफ 4k, और अब ये 210 बाय अंडर रूट का आंसर हमें कैलकुलेटर में इसको पुट अप करना पड़ेगा, तो इसका आंसर कैलसी में सॉल्व करने के बाद आएगा 15, और ये 15 से अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 15 6 दैट इज 90i, 15 12 दैट इज माइनस 180j, और 15 4 प्लस 60k। तो फाइनली यहां पे फोर्स एफ का दैट इज वेक्टर इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिए, तीनों फोर्सेस का वेक्टर इक्वेशन हमने बना लिए, और अब ये तीनों फोर्सेस के वेक्टर इक्वेशन को हमें ऐड करना है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताए थे, क्योंकि हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो चलो रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर रिजल्टेंट आर दैट इज वेक्टर आर दैट इज आर बार इक्वल्स टू पी बार प्लस टी बार प्लस एफ बार दैट इज वेक्टर पी प्लस वेक्टर टी प्लस वेक्टर एफ। तो तीनों का वेक्टर इक्वेशन ऐड करते समय आपको ध्यान में रखना है कि आपको तीनों का i, तीनों का j और तीनों का k, बस आपको वो ऐड करना है। तो देखिए इसका i माइनस 80, इसका i माइनस 80 और इसका i 90, तो तीनों का i ऐड करने के बाद ये हो जाएगा माइनस ऑफ 70i, ठीक है, क्योंकि ये माइनस 80 और 90 ये 10 हो जाएगा, और ये माइनस 80 के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 70। देन आफ्टर तीनों का j, देखिए इसमें माइनस 240, इसमें माइनस 240 और इसमें माइनस 180, इट मीन्स तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 660j। और अब तीनों के k को अगर हम देखेंगे तो ये 60k प्लस में है, ये 60k माइनस में है, इट मीन्स ये कट जाएगा और बचेगा 120k, तो ये हम लिखेंगे प्लस 120k। तो फाइनली हमने रिजल्टेंट का वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए, लेकिन हमें रिजल्टेंट का वेक्टर इक्वेशन नहीं, हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में कहा है। तो चलो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रिजल्टेंट का वेक्टर इक्वेशन है हमें इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो हमें उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे मैग्नीट्यूड आर जो हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज मॉड ऑफ आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, हमें अंडर रूट में लिखना है ये पूरे इक्वेशन को स्क्वायर करके, तो 70 स्क्वायर प्लस 660 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। और अब हम ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर में पुटअप करेंगे, तो कैलकुलेटर में पुटअप करने के बाद देखेंगे अंडर रूट में दैट इज 70 स्क्वायर प्लस 660 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर, तो ये आंसर आ चुका है 462 न्यूटन। तो फाइनली रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिए है, क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द रिजल्टेंट फॉर द गिवन फोर्स सिस्टम, थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो रिजल्टेंट हमने ये फाइंड आउट कर लिए और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये था थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम का फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमने कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट्स अगर रॉन्ग हो गए तो पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो सकता है। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के बाद हमने पी का वेक्टर इक्वेशन बनाया, टी का वेक्टर इक्वेशन बनाए और लास्ट में फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन बनाए और लास्ट में तीनों के वेक्टर इक्वेशन का आई जे के ऐड किए, तो हमें रिजल्टेंट का वेक्टर इक्वेशन मिल गया। देन हमने रिजल्टेंट के वेक्टर इक्वेशन का मैग्नीट्यूड, इट मीन्स हमने उसका अंडर रूट किए, तो हमें रिजल्टेंट का वैल्यू आर मिल गया।
तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम का फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके आने वाली वीडियोस में हमें इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कुछ कवर करना है ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले ऑलरेडी हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे, तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।